हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, जिस पार्टी को लेकर और शहनाज के उस पार्टी में जाने को लेकर बवाल उठा था, बवाल क्या उठा था यार, एक फालतू सी चीज़ जो है चल पड़ी थी, और वो ये थी कि भाई ट्वीट किया गया एक भद्दा सा, बेसिकली ये जो लोग हैं ये किसी लड़की को लाइफ में खुश नहीं देखना चाहते हैं, रोते हुए डिप्रेशन में जाते हुए दुख में पड़े हुए देखना चाहते हैं, चीज़ों से उभरता हुआ नहीं देख सकते हैं, और उसकी तरक्कियां तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ, तो ट्वीट किया, ट्वीट के बाद फैंस ने इस तरह से बजाया है कि अकल ठिकाने तो नहीं आ सकती है इतने इतनी जल्दी ऐसे लोगों की, क्योंकि जो इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग होते हैं, वो इस मानसिकता से निकल नहीं पाते हैं, और अगर वो दिखावा करें भी कि हम निकल चुके हैं तो ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, लेकिन जिस पार्टी को लेकर ये सब बातें कही गई, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शहनाज के साथ सिद्धार्थ की फैमिली से कोई नहीं था, कुशाल को टारगेट किया गया, सब कुछ हुआ, तो आपको बता दें शहनाज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के जीजू थे। जी हाँ, नीतू दीदी के हस्बैंड और सिद्धार्थ शुक्ला के जीजू वो शहनाज के साथ पार्टी में गए थे, और हमने आपको थंबनेल पर वो पिक्चर भी दिखाई है और मार्क करके भी दिखाया है, जहां पर शहनाज उनसे बातें करती हुई नजर आ रही हैं और फैंस ने भी उन्हें पहचाना है। तो भाई शहनाज जो है सिद्धार्थ की फैमिली के साथ है, सिद्धार्थ की फैमिली, सिद्धार्थ का परिवार उनका अपना परिवार है, और जब वो पार्टी में भी गई तो सिद्धार्थ का परिवार, उनकी फैमिली शहनाज के साथ मौजूद थी। तो भाई दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो यार, कि जब आपकी मैडम और आपकी फूली हुई ब्रेड, जिनको हमने नाम दिया है, वो कहीं जाती हैं, तो वो आपकी फैमिली में से कितने लोगों को लेकर जाती हैं। तो भाई अपने आप को देखो, फिर दूसरों पर क्वेश्चन करो। क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।